हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोमा मूवी को। कोमा मूवी 2019 में आई एक रशियन मूवी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोमा मूवी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अगर आपने इधर उधर थोड़ा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप मूवी को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप एंड तक देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोकर उठ रहा होता है। उसके आसपास के सभी चीज़ें थोड़ी अजीब सी रखी हुई होती है। उसके रूम में एक बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, एक फ़ोटो होता है जिसमें वो और उसके साथ एक लड़की होती है, लेकिन लड़की की फ़ोटो ब्लर हो जाती है। उसके रूम में सारी चीज़ें कुछ ब्लैक कलर के मिट्टी जैसी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा करके उड़ने लगती है। लड़का डर जाता है और रूम से बाहर निकलने लगता है। वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वो देखता है कि फिजिक्स का कोई भी लॉ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके सर के ऊपर भी एक बिल्डिंग बना होता है। वहाँ पे लोग चल रहे होते हैं, गाड़ी भी कूद रही होती है, उसके इधर उधर सब कुछ चीज़ें बिखरे हुए होती है। कहीं भी लोग इधर उधर जा रहे होते, लोगों के बॉडी से आधा ब्लैक कलर जैसा कुछ उड़ रहा होता है, वो देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसको मूवी में नाम दिया गया है रीपर्स। रीपर्स आके उस लड़की पे हमला कर देता है। लड़के का नाम विक्टर होता है। लेकिन तभी तीन लोग वहाँ पे आ जाते हैं, इसमें से एक लड़की होती है और दो लड़के होते हैं। वो तीनों विक्टर्स को रीपर्स से बजा के वहाँ से लेके भाग जाते हैं, लेकिन रीपर्स उसके पीछे पीछे आ जाता है। तीनों विक्टर्स को लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक रीपर्स आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन फैंटम उस रीपर्स के अटैक कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रीपर्स के हमले से फैंटम को थोड़ा बहुत चोट लग जाता है और उसके हाथ में से ब्लैक कलर का कुछ उड़ने लगता है। लेकिन उसे इग्नोर करके फैंटम वहाँ से भाग जाता है। अचानक से एक रीपर्स उन लोगों को घेर लेता है, लेकिन पायलट नाम का एक बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है जब वो ग्रेनेड लेके खुद को और रीपर्स दोनों को उड़ा देता है। फ्लाई, विक्टर और फैंटम जाने लगते हैं। तभी विक्टर फ्लाई को पूछता है कि वो कौन सी जगह जाने वाला है और यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी फ्लाई एक उल्टी बिल्डिंग की तरफ दिखा के बोलती है कि हमें वहाँ जाना है और रिपर्स वहाँ पे नहीं आ सकते। फ्लाई ये भी बोलती है कि ये कोमा की दुनिया है, जब कोई इंसान कोमा में जाता है तो वो यहाँ आ जाता है। इस कोमा की वर्ल्ड में आने के बाद सभी यादें मिट जाती है, थोड़ी बहुत यादें रह जाती है, लेकिन वो यादें सब धुंधली धुंधली हो जाती है और यादों के हिसाब से ये दुनिया चलती है और ये दुनिया का स्ट्रक्चर चलता है। विक्टर के सर पे चोट लगी होती है, तभी फ्लाई विक्टर की चोट को हिल कर देती है। हमें पता चलता है कि फ्लाई के पास कुछ पावर है। वो दिनों एक गाड़ी में जाते हैं और उस गाड़ी के दूसरे दरवाजे से निकलते हैं। जैसे निकलते हैं वो एक नई जगह पे पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जो फ्लाई ने विक्टर को दिखाया था। विक्टर सपने में देखता है कि वो किसी लोगों से डर के भाग रहा है और वो एक गाड़ी में भाग रहा है और उस गाड़ी में एक लड़की भी है, लेकिन लड़की का चेहरा वो साफ तरीके से नहीं देख पाता और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद विक्टर सो के उठता है और वो देखता है कि जो गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ है उसी गाड़ी वो वाल के आसपास खड़ी हुई है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ें उस आदमी को याद आ जाती है तो वही चीज़ें उसे कोमा वर्ल्ड में दिखाई देती है। फैंटम विक्टर को बाहर ले जाता है और वो बोलता है कि विक्टर के पास क्या खास पावर है उसे देखना है। जो भी कोमा वर्ल्ड में आता है उसके पास एक खास पावर आ जाती है, जैसे कि फैंटम के पास स्पीड और स्ट्रेंथ की पावर है, स्प्राइट के पास इल्यूजन क्रिएट करने की पावर है, एस्ट्रोनॉमर के पास आकृति बनाने की पावर है और फ्लाई के पास हिल करने की पावर है। वैसे ही फैंटम देखना चाहता है कि विक्टर के पास क्या पावर है, इसीलिए फैंटम अपने एक रोबोट मशीन को विक्टर के ऊपर अटैक करने को छोड़ देता है, लेकिन विक्टर कोई भी पावर नहीं दिखा पाता। विक्टर फैंटम को बोलता है कि शायद वो रियल वर्ल्ड में एक आर्किटेक्ट था, इसीलिए फैंटम विक्टर को कोई मिस्त्री का काम दे देता है और वो करने को बोलता है। हमें वहाँ यन के बारे में पता चलता है जो वहाँ का लीडर है और वो सबसे पहला इंसान है जो वो इस कोमा वर्ल्ड में आया है। दूसरे दिन वहाँ के कुछ लोग बारूद लेने जाते हैं, विक्टर भी उनके साथ जाता है। उन लोगों की फाइट वहाँ के दूसरे लोगों से हो जाती है और उनको मारने के बाद वो बारूद जहाँ है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे रिपर्स आ जाते हैं और उनको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन विक्टर अपनी पावर यूज करके एक बड़ा सा बॉक्स बना देता है जिससे रिपर्स उनको नहीं मार पाते और वो लोग अपने इलाके पे चले जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि विक्टर के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो कोई भी चीज़ बना सकता है। यान जो कि उन सब का लीडर है, वो विक्टर से कहता है कि उन सब के लिए वो एक आइलैंड क्रिएट करे जहाँ उनकी टीम रिपर्स से सुरक्षित रह सके। इसलिए सब लोग दूसरे दिन उस जगह को छोड़ के एक ऐसी जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं जहाँ वो रिपर्स ना आ सके और विक्टर उसके लिए एक आइलैंड बना सके। तो सब लोग जा रहे होते हैं तभी रिपर्स उन पर हमला कर देता है। हमें ये भी पता चलता है कि फैंटम भी धीरे धीरे करके रिपर्स बनने वाला है। जब फैंटम विक्टर को बताने के लिए पहली बार गया था तभी रिपर्स के हमले में ये सब फैंटम के साथ हुआ। रिपर्स से बच के फ्लाई, विक्टर, स्पिरिट और एस्ट्रोनॉमर भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे रिपर्स भी होते हैं। तभी विक्टर को चक्कर आ जाता है और हम देखते हैं कि रिपर्स रियल वर्ल्ड में कोमा से जाग उठा है। अब जो हम देख रहे हैं वो एक रियल वर्ल्ड है और इस रियल वर्ल्ड में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है विक्टर का, जहाँ विक्टर और फ्लाई एक जगह जा रहे होते हैं क्योंकि विक्टर के प्रोजेक्ट पर
एक कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया होता है। रियल वर्ल्ड में विक्टर और फ्लाई एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड के रुकने पर फ्लाई अंदर नहीं जा सकती, इसलिए विक्टर अंदर जाता है। और अंदर जाते ही विक्टर देखता है कि वहाँ पे यान है। यान विक्टर को कुछ दिखाना चाहता हूँ बोल के एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। रूम के अंदर जाते ही विक्टर देखता है कि वहाँ लोग बेड में पड़े रहे होते हैं। यान उसको कोमा वर्ल्ड के बारे में बताता है। विक्टर ये सुनके बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो भाग के अपने गाड़ी में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे यान की गार्ड भी आते है। फ्लाई और विक्टर भागने लगते हैं गाड़ी में, लेकिन एक ट्रक से उस गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम ये देखते हैं कि विक्टर सब कोमा से पूरी तरह जाग उठा है। उसके पास वाले बेड में फ्लाई भी होती है जो अब भी कोमा में होती है। वहीं पे यान भी होता है। यान विक्टर्स को बोलता है कि सब लोगों को उसी ने कोमा वर्ल्ड में भेजा है। यान ये भी बोलता है कि विक्टर्स को कोमा वर्ल्ड में भेजने से 2 घंटे पहले उसने फ्लाई को भी कोमा वर्ल्ड में भेज चुका था। हमें पहले ही बताया गया होता है कि रियल वर्ल्ड के ओरिजिनल टाइम से कोमा वर्ल्ड का टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है। सभी लोगों को कोमा में यान ले गया था। यान चाहता था कि वो कोमा वर्ल्ड में अपनी दुनिया क्रिएट करे, जहाँ पे वो आसानी से बहुत साल तक जी सके और राजा की तरह वो कोमा वर्ल्ड में जी सके। यान ये भी पता था कि फैंटम को कोमा वर्ल्ड में सब कुछ याद आ गया था, लेकिन वो जागने को तैयार नहीं था। वो फैंटम को मारने ही वाले होते तभी वो रिपर्स का शिकार हो जाता है। यान विक्टर को बोलता है कि अगर विक्टर उसके लिए एक आइलैंड कोमा वर्ल्ड में क्रिएट करे तो वो सब लोगों को छोड़ देगा। और वो आइलैंड क्रिएट करने के बाद पीछे के दरवाजे के बारे में यान सबको बताएगा, जहाँ से सब लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ सकते हैं। फिर यान और विक्टर दोनों कोमा वर्ल्ड में जाते हैं और हमें कोमा वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। विक्टर उसी रूम में पहुंचता है जहां से उसकी कोमा वर्ल्ड की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन विक्टर के पास अब सब यादें थी और वो सब जानता था कि उसको अब कहां पहुंचना है। एस्ट्रोनॉमस फ्लाई और स्पिरिट को रिपर्स मारने वाले होते तभी वहां पे विक्टर पहुंच जाता है और उनको बचाता है और यान के बारे में भी सब कुछ बता देता है। उसके बाद विक्टर यान के लिए एक आइलैंड बना देता है, लेकिन यान बोलता है कि इस जगह के बारे में उन सबको अब पता हो गया, इसलिए उन सबको मरना होगा और 15 मिनट बाद वो सब लोग मरने वाले हैं। तभी विक्टर को पीछे के रास्ते के दरवाजे के बारे में याद आता है। विक्टर जान जाता है कि अगर उनको बचना है तो उन्हें रियल वर्ल्ड में जागना होगा और इस कोमा वर्ल्ड से निकलना होगा। इसलिए एस्ट्रोनॉमस फ्लाई और विक्टर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे वो पहले रहा करते थे और उसी जगह विक्टर के रूम में पहुंच जाते हैं और विक्टर के रूम के वॉल में जो रास्ता था वहां पे जाने लगते हैं, जो कि सपनों की दुनिया कहा गया है इस मूवी में। तीनों उस वॉल के रास्ते से जाने लगते हैं। ये वही जगह होती है जहां पे यान और विक्टर की पहली मुलाकात हुई थी और ये वही जगह है जहां पे रियल वर्ल्ड में यान ने सभी लोगों को बंदी बना के कोमा में रखा है। जैसे ही तीनों बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीजें नॉर्मल नहीं है। किसी जगह पे सागर है तो किसी जगह पे जंगल है, किसी जगह पे ट्रेन चल रही है तो किसी जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग, क्योंकि ये एक सपनों की दुनिया है और यहाँ पे कोई भी चीज नॉर्मल नहीं हो सकती। विक्टर समझ जाता है कि अगर उनको जागना है तो उसी रूम में पहुंचना होगा जहाँ पे यान ने सभी लोगों को कोमा में रखा है। विक्टर को याद आता है कि जिस रूम में यान ने कोमा में रखा है सभी लोगों को, वहाँ पे एक पेंटिंग थी और पेंटिंग के अंदर जो था वही वो आगे भी देखता है और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एस्ट्रोनॉमस मर जाता है और वहाँ पे यान भी पहुंच जाता है, विक्टर के ऊपर अटैक कर लेता है। तभी वहाँ पे एक रिपर्स आ जाता है और पीछे से यान को मार देता है। असल में वो रिपर्स फैंटम था। फैंटम यान के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए यान को मार दिया और विक्टर सरप्राइज को छोड़ दिया। विक्टर सरप्राइज अब जाग जाते हैं और रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि विक्टर सरप्राइज अब एक साथ रहते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि यान की कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया था, लेकिन उस केस का कोई भी प्रूफ नहीं मिला, इसलिए यान की कंपनी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। यान की कंपनी की तरफ से विक्टर का एक लेटर आया हुआ होता है, वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक्सप्लेन वीडियो जिसको पसंद है उसके साथ शेयर भी कर सकते।